बालों में 5 बार ये तेल लगाए, टूटते झड़ते बाल बचाए, बाल ऐसी तेजी से लंबे होंगे कि। नमस्कार दोस्तों, बालों के झड़ने टूटने के 3 सबसे मुख्य कारण है, बालों का सही से ख्याल न रखना, दूषित वातावरण और हार्मोनल चेंजेस। और अगर इसे सही समय पर ना रोका जाए तो ना केवल आने वाले समय पर हमारे सिर पर गंजापन, साथ ही साथ बाल बेहद कमजोर, सूखे और बेजान दिखने लगते हैं और बालों की ग्रोथ होना भी रुक जाती है। लेकिन इस तेल के केवल 5 बार के इस्तेमाल से दोस्तों, ये ना केवल आपके टूटते झड़ते बाल बचाएगा, साथ ही साथ सूखे और बेजान बालों में फिर से मजबूती और उनकी लंबाई को तेजी से बढ़ाएगा, क्योंकि ये आपके बालों की कंप्लीट केयर करेगा। तो चलिए ये देखते हैं आप इस तेल को कैसे बना सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए हम दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर लेंगे मेथी दाना। बालों का दूसरा नाम होता है प्रोटीन। दोस्तों बाल जो हैं हमारे प्रोटीन से बनते हैं, और अगर हमारे बालों में प्रोटीन की कमी आ जाए तो ना केवल हमारे बाल टूटने झड़ने लगते हैं, साथ ही साथ उनकी ग्रोथ यानी कि लंबाई बढ़ना रुक जाती है। और मेथी दाना में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। ये ना केवल हमारे बालों को टूटने झड़ने से बचाएगा और इनकी ग्रोथ भी बढ़ाएगा। आपको दोस्तों यहाँ पर मेथी दाने को 2 चम्मच के बराबर लेना है। हम यहाँ पर मेथी दाने का तेल बनाएंगे। आपको यहाँ पर 2 चम्मच मेथी दाना लीजिए और इसे पीस लीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए। मेथी दाने को इंग्लिश में दोस्तों फेनिग्रिक सीड भी कहते हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ पर लेंगे इस तेल को। तेल दोस्तों आपको वो लेना है जिसका आप घर पर प्रयोग करते हैं। आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि तेल आपका बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पर ये नारियल तेल ले सकते हैं, या फिर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कीजिए। आप इन दोनों में से कोई सा भी तेल लीजिए और आपको ये तेल इतना डालना है कि आप इसे 5 बार में अच्छे से सिर पर मसाज कर सकें। या फिर आप चाहे तो इस तरह से देखिए, आधी कटोरी के बराबर तेल इसमें डाल लीजिए। और इसके बाद आपको यहाँ पर एक और तेल का इस्तेमाल करना है जो आपके पतले वालों को मोटा और घना करने में मदद करेगा, और वो है ये कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। ये तेल दोस्तों आपको 5 से 10 रुपए में आसानी से मेडिकल स्टोर से मिलेगा, और आपको इसके यहाँ पर 2 चम्मच के बराबर, आप देखिए 2 चम्मच जो है इस तेल को इसमें डालिए। और इसके बाद अब हम यहाँ पर इस तेल को अच्छे से धीमी आँच पर गर्म करेंगे। आप इस तेल को इस तरह से गर्म कीजिए और धीमी आंच पर आप इसे 5 मिनट तक पकाइए, और 5 मिनट के बाद देखते ही देखते ये तेल जो है आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अब जो है आप यहाँ पर इसे छान लीजिए और इस तेल को इस तरह से एक कटोरी में डाल लीजिए। और अब आपको यहाँ पर इसमें 2 चम्मच प्याज का रस डालना है। दोस्तों अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कहीं से झड़ चुके हैं तो वहाँ से इसे दोबारा उगाने में प्याज का रस बहुत फ़ायदा करेगा। आप यहाँ पर इस तरह से इसे 2 चम्मच इसमें डालिए, और अब हम यहाँ पर इस तेल को अच्छे से हिलाएंगे। आप 1 से 2 मिनट तक चम्मच से इसे पूरी तरह से मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद ये तेल हमारा तैयार हो जाएगा। आप दोस्तों इसे तेल को किसी भी कांच के कंटेनर में, कुछ इस तरह से आप देखिए, इस तरह के कंटेनर में डालकर रख सकते हैं। इस तेल का प्रयोग आपको बालों पर कैसे करना है और कैसे इसे अपने बालों पर लगाना है, जिससे झड़ते टूटते बाल भी रुकेंगे और बालों की लंबाई भी बढ़ेगी, आइए देखते हैं। इस तेल का प्रयोग दोस्तों आपको दिन में केवल 1 बार करना है। आप दिन में जब भी इसे लगाने से पहले आप ये तेल लीजिए और इस तेल को आप 15 से 20 मिनट तक, कुछ मिनट तक आप इसे धूप में रखें, और उसके बाद आप इस तेल को अच्छे से हिलाइए, और ये जो तेल है आप इस तरह से थोड़ा सा लीजिए और इस तेल को अपने बालों में लगाइए। आप दोस्तों इस तेल को अपने बालों में अच्छे से लगाएं और बालों की जड़ों तक पहुंचाकर इसकी धीमे हाथों से अपने बालों पर मसाज कीजिए। और जब आप इसकी मसाज कर लेंगे, उसके बाद आपको इसे कम से कम 2 घंटे तक इसे अपने बालों पर लगे रहने देना है। लगाने के बाद दोस्तों आप चाहें तो कोई भी काम कर सकते हैं, अपने ऑफिस का काम या कुछ भी कर सकते हैं। और 2 घंटे के बाद आप इसे शैम्पू की मदद से अपने बालों से उतार लीजिए और बालों को धो लीजिए, और हफ्ते में आप इसे 3 बार इस्तेमाल कीजिए, और इसके रिजल्ट देख के दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे। ये ना केवल आपके बालों का टूटना झड़ना रुकेगा, साथ ही साथ 5 से 6 इस्तेमाल से ही आपके सूखे बेजान बालों में चमक लेकर आएगा और आपके बालों को मजबूत करेगा, और लगातार इस्तेमाल से ये तेल आपके बालों की लंबाई को तेजी से बढ़ाएगा। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।